श्रीहरि के सभी अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। उन्हें विशेष स्थान दिलाते हैं उनके दिव्य अस्त्र। वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं ना कहीं आपके जीवन के सत्य से जुड़ा हुआ है। गौर से देखिए। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को आकर्षित किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उठा सुदर्शन चक्र। धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब तक रहते हैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उनके हाथ में। मथुरा में जाते हैं, वहां भी कंस को निहत्थे मारते हैं। आप देखिए, कंस को उठाकर फेंका, उसके ऊपर स्वयं कूद गए। कोई शस्त्र नहीं है क्योंकि ब्रज मंडल तो प्रेम की भूमि है। यहाँ तो कृष्ण की जो अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं वो हम बताएं आपको, वो कृष्ण का पहला अस्त्र बताया गया, उनकी मुस्कान। अगर दूसरी बात करें तो कृष्ण का दूसरा अस्त्र यहाँ बताया गया वो वंशी है, और तीसरा कृष्ण का जो अस्त्र है वो कृष्ण का नृत्य है। चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिव जी का चक्र है भवरेन्दु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है। जहाँ एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी था। श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी में स्वयं माँ सरस्वती का वास था और उनकी वंशी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अस्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अगर हम द्वारिका और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाई देता है। दूसरा उनके हाथ में जो गदा दिखाई देती है वो कौमुदकी नाम की गदा है। अगर हम देखें उनके हाथ में पद्म दिखाई देता है, कमल। लेकिन साथ साथ भगवान कृष्ण के हाथ में एक शंख भी दिखाई दे रहा है, ये पांचजन्य नाम का शंख है। खड्ग भी कहीं कहीं कृष्ण के हाथ में आपको कुरुक्षेत्र की लीला में दिखाई देगा। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। यह बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर खत्म हो जाता है। दिव्य प्रभावी है कान्हा की मुरली। आप भी इसके प्रयोग से जीवन की नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर नजर आता है। तो आप भी कृष्ण के इन अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए।